हाय गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद निशा। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ तीज मेकअप लुक। तो अगर आप भी सोच रही हैं कि तीज पर कैसे तैयार हो तो आज का वीडियो पूरा देखिए। स्किन केयर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ खादी का क्यूकम्बर मिंट फेस मिस्ट। देन मैं पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन देता है स्किन को। फिर मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर यूज कर रही हूँ और इसे मैं पूरे फेस पर ना लगा करके सिर्फ अपने ओपन पोर्स वाले एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं के ब्यूटी का ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ पिगमेंटेड एरियाज पर और उसे फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर का यूज कर रही हूँ। ये थोड़ा डार्कर शेड का कंसीलर है, बट इससे होता क्या है कि आपका बेस बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये सारे डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन को हाइड कर देता है। तो मैं इसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ एंड नोज के अराउंड भी जनरली सबको पिगमेंटेशन होता ही है, तो मैं वहां पर भी इसे अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन मैं पैक का फाउंडेशन और स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूंगी बिकॉज मुझे आज एक ड्यूई बेस चाहिए एंड फेस्टिव मेकअप है तो बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्लॉलेस होना चाहिए। एंड देन मैं इसको मिक्स करके फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैं पैक के ही ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन को मैं नेक पर जरूर लगाती हूँ सो दैट पूरा फेस और नेक सब कुछ इवन टोन लगे। इसके बाद मैंने लिया है मेबलिन का ही एज रिवाइंड कंसीलर, बट इसका शेड लाइटर है एंड इसे मैं अंडर आई एरिया एंड अपने फेस के हाइलाइटिंग के लिए यूज कर रही हूँ एंड ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड अंडर आई एरिया की हाइलाइटिंग के लिए मैं इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट आईज लिफ्टेड लगे। देन मैंने लिया है फिटमी का लूज पाउडर एंड इससे मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट कर रही हूँ। फॉर आईब्रोज मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट, इसमें से मैं दोनों शेड्स को मिक्स करके अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ एंड स्कूली की हेल्प से डिफाइन कर रही हूँ। फॉर आई शेडो मैंने लिया है यहाँ पर मॉफी इंटू जैकलिन का आई शेडो पैलेट और इसमें से मैंने ये वाला टेराकोटा काइंड ऑफ शेड पिक किया है एज अ ट्रांजिशन शेड। यूजुअली मैं हमेशा लाइटर ट्रांजिशन शेड का यूज करती हूँ बट क्योंकि आज फेस्टिव मेकअप है तो थोड़े से ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डार्क ब्राउन मैट आई शेडो और उसे मैं अपनी आईज के आउटर वी पर अप्लाई कर रही हूँ, ऐसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर के ब्यूटी का आई शेडो स्टिक इन द शेड गोल्डन आवर एंड ये गोल्डन कलर का शिमरी आई शेडो स्टिक है। आप इसकी जगह पर आपके आई शेडो पैलेट में कोई भी गोल्डन शिमरी आई शेडो हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इसे मैं अपनी आईज के 3/4 पार्ट में अप्लाई करने के बाद एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूंगी सो दैट लाइंस और क्रीजेस ना नजर आए। इसके बाद मैं सेम ब्राउन आई शेडो से अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर रही हूँ एंड थोड़ा सा गोल्डन आई शेडो स्टिक का भी यूज कर रही हूँ। आईज को टाइटलाइन करने के लिए काजल मैंने यूज किया है फेसेस कैनेडा का। के ब्यूटी का ही लिक्विड आईलाइनर यूज कर रही हूँ मैं और उससे मैं एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आईलैशेस को कर्ल करने के बाद मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ नायका का लेंथनिंग मस्कारा। आईलैशेस मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पैक की इन द नंबर 41 एंड मीनवाइल मैं अपने लिप्स पर लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने फेस की कॉन्ट्यूरिंग कर रही हूँ विद माई फेवरेट प्रोडक्ट वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्यूअर प्रोडक्ट से मैं अपनी जॉ लाइन चीक बोन्स एंड नोज को कॉन्ट्रोवर कर रही हूँ। सेम वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से ही थोड़ा सा मैंने बनाना पाउडर यूज किया है कॉन्ट्रोवर को शार्प करने के लिए और ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का कोरल चार्म ब्लश। एंड आज मैं एक नई टेक्निक से ब्लश लगा रही हूँ, मैंने किसी यूट्यूबर को देखा था, उन्होंने बताया था कि अगर आपको फेस को एक फुलर लुक देना है तो आप एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे लगाएं, अगर आपको अपने फेस को एक लिफ्टेड लुक देना है तो आप उसको ऐसे अपवर्ड्स लगाएं। तो आज मैंने अपवर्ड्स में लगाया है सो दैट मेरे फेस को लिफ्टेड लुक मिले। एंड देन मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर इन द शेड मॉल्टन गोल्ड एंड इससे अपनी ब्रो बोन की एंड अपने फेस के हाई पॉइंट्स की हाईलाइटिंग करी है मैंने। फिर मैं यहाँ पर फेसेस कैनेडा का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ एंड फॉर एवर 52 की लिक्विड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ।
एंड दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक गाइज. साड़ी पहनी है मैंने एंड ज्वेलरी एसेसरीज बैंगल्स वगैरह सब मैचिंग की मैंने पहनी है. आई होप कि आपको आज का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा होगा. बालों में मैंने सिंपल हेयर स्टाइल जूड़ा बनाया है एंड गजरा लगाया है. गजरा तो किसी भी लुक को एकदम कंप्लीट कर देता है गाइज. तो गजरा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड ग्रीन कलर के ही ये चूड़े पहने हैं मैंने. एंड दिस इज़ द क्लोजअप गाइज, आप आईज का मेकअप देख सकते हो अभी. सो अगर आप भी अभी तक यही सोच रही थी कि तीज पर कैसे तैयार हो, सो इस लुक को आप बहुत ही आसानी से रिक्रिएट कर सकती हैं एंड ये लुक हर किसी पर बहुत ही अच्छा लगने वाला है. इवन बिगिनर्स भी इस लुक को ट्राई कर सकते हैं एंड जो न्यूली मैरिड लड़कियां हैं उन पर तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है अकॉर्डिंग टू मी. सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेकअप लुक और ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके. एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड उसके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें सो दैट आप मेरी नेक्स्ट वीडियो से हमेशा अपडेटेड रहें. एंड नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेकअप लुक आपको कैसा लगा. मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियोस के साथ बहुत ही जल्दी. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप सभी को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. यहाँ पर मैंने आपके लिए साड़ी का फुल वीडियो डाल दिया है सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि ये पूरा लुक कैसा लग रहा है. एंड आगे मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड आई होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी.